मालवा में इस समय चुनाव प्रचार अभियान अपने पूरे शबाब पर है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जमीन पर ताकत से जोर आजमाइश में लगी है। इस समय हम मौजूद है जावरा विधानसभा क्षेत्र के कलालिया गांव में। यहां पर कांग्रेस के महासचिव मुकेश काला कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय महेन सिंह कालूखेड़ा के भाई कांग्रेस प्रत्याशी के सिंह के लिए प्रचार अभियान में जुटे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं गांव में चुनाव को लेके कैसे हालात है, कांग्रेस के प्रति लोगों का कैसा रुझान है। काला जी, आप प्रचार अभियान में जुटे हैं जी, क्या हालात है जमीन पर? विगत 3-4 दिनों से मैं जावरा विधानसभा क्षेत्र के गांवों में घूम रहा हूं। गांवों में एक बदलाव का माहौल देखने को मिल रहा है। विगत 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है। इस प्रदेश का आम आदमी, किसान, अन्नदाता परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, युवा लोग परेशान है। सब दूर जहां भी हम जा रहे हैं एक बदलाव की मयार हमको दिख रही है। साथ ही इस जावरा विधानसभा क्षेत्र से कैलाशवासी महेन सिंह कालूखेड़ा जी, जो कि कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, अन्य कई पदों पर रहते हुए उन्होंने जो इस विधानसभा का जो विकास किया है, आज भी लोगों की जुबा पे वो बोल रहा है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जमीन पर जो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं? सबसे पहले तो विगत 15 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव के वक्त जो वादे किए थे, आज वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। आज किसान अन्नदाता परेशान है, किसानों को अपनी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, जो लागत मूल्य है वह नहीं मिल रहा है, उससे किसान बहुत दुखी है। साथ ही जो GST और नोटबंदी के जो हालात हुए हैं, इससे पूरे प्रदेश में और इस विधानसभा में भी व्यापारी भी कहीं ना कहीं त्रस्त नजर आता है। और लोगों के मन में ये मानसिकता है कि जिस प्रकार से इन 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो करप्शन और जो भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है, चाहे वो थाने का काम हो, चाहे वो पटवारी का काम हो, चाहे अन्य काम हो, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ बिगड़ी हुई है, शिक्षा की व्यवस्थाएँ बिगड़ी हुई है, इन ऐसे अनेक कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता में काफ़ी आक्रोश है। काला जी, ये जो इलाका है मध्य प्रदेश और देश का सर्वाधिक अफीम उत्पादक इलाका है, यहाँ पे अफीम किसान भी है जी। डोडा चूरा की खरीदी सरकार ने बंद कर दी है। दूसरी बात यह है कि डोडा चूरा में मार्फिन परसेंटेज 0.2% से कम है। किसानों की ये मांग भी लंबे अरसे से है कि इसको NDPS से बाहर निकाला जाए। इन सारे मामलों को लेके कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? जहाँ तक जो मार्फिन वाली जो बात आपने कही है, ये बहुत अच्छी बात है। इसको लेके प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष आदरणीय महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी ने काफ़ी लोगों ने उनको इस बात से अवगत कराया लिखित रूप से, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सोच है कि जो इसका जो मार्फिन का जो क्राइटेरिया है, उससे भी कम मात्रा में जो उसके ऊपर जो NDPS एक्ट लगता है, इसको लेके कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो निश्चित रूप से किसानों को, और जो बेवजह इस आरोप में हजारों लोग आज जेलों में बंद हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी तो न्याय होगा। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पे एक स्लोगन चला रही है, बस करो महाराज, हमारे नेता तो शिवराज, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी केवल स्लोगन चला रही है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्ष में अगर विकास के कार्य किए होते तो मुझे नहीं लगता है कि उनको ये स्लोगन चलाने की आवश्यकता पड़ रही है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे होंगे, कहीं चैनलों के जो सर्वे आए हैं उसमें शिवराज सिंह जी चौहान से भी आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी CM के कैंडिडेट के रूप में आगे निकल गए हैं। पिछली बार आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 72,000 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ किया है। तो ये जनता जानती है, जब नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव में कहा था कि हम प्रत्येक काला धन वापस लाएंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन न तो काला धन वापस आया, न 15 लाख रुपए किसी के खाते में आया, लेकिन जो नोटबंदी करी इन्होंने, नोटबंदी से
जो इनका ब्लैक मनी थी वो व्हाइट मनी करने का काम किया। अमित शाह के अच्छे दिन आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अच्छे दिन आए, लेकिन आज भी किसान और अन्नदाता और गरीब मर रहा है। ये थे मुकेश काला, कांग्रेस महासचिव, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आम आदमी के अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन आए तो नरेंद्र मोदी क्या है, अमित शाह क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या है। जमीन पर उनका मानना है वक्त बदलाव का है, लेकिन उनके दावे में कितनी सच्चाई है ये बात 11 दिसंबर को पता चलेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खताविया के साथ मुस्तफा हुसैन जावरा।